Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The great viewers, good morning, good evening, good night, aur tamam duniya ko aapke mezban Yaqub Javed Kamyana ka salam. Is waqt hum a very antique duniya ke ek bahut bade ajube hotel Flatties Lahore Pakistan mein maujood hain. Pone 200 saal ye purana hotel. Ek Italian fauji jo apne mulk se bhag ke aaya, yahan ke governor se mila, usne pana di aur usne kaha mainu koi kam dosso. तो गवर्नर ने क्या कहा कि इस मुल्क में होटल बना दिया जाए. तो जनाब ये खूबसूरत होटल इज अ ब्यूटीफुल एंड एंटीक. द ग्रेट व्यूअर्स, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये कोई पौने 200 साल पुराना होटल है और फ्लैटिस एब्सकॉन्डर था फौज से, यहाँ आया. लेकिन क्या खुशनसीबी थी, उसको शायद मालूम नहीं था कि ये एक खिता आज़ाद होने वाला है और ये कौम बड़ी बहादुर और निडर है. लेकिन वो जाते जाते एक क्या खूबसूरत तोहफा दे गया. आज हम यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत मेरे काबिल एहतराम चचा मियाँ सदीक कमयाना साहब. तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन नहीं, वो मोस्ट सीनियर, और शायद सुप्रीम कोर्ट भी उनसे जूनियर हो. पाकिस्तान बनने वाली जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी बच्चों की तरह है, जजेज उनके बच्चों की तरह हैं. बहुत बड़ा लॉ कॉलेज के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बच्चे पढ़ाए, कौम को बनाया. गुड लक टू दिस फ्लैटिस होटल जहाँ बड़े बड़े लोग आके ठहरे. और ये मैं मुझे कहते हुए ये बहुत बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि जो होटल के होटल इंडस्ट्री के पाइनर बरादरी अजीज़ इरशाद बी अंजम, जिन्होंने बड़े बड़े होटलों को शनाख्त दी, उन्होंने हमें इन्वाइट किया. मियाँ सदीक कमयाना साहब को आज इन्वाइट किया है. वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल ब्रदर इरशाद अंजम साहब. और देखिए द ग्रेट व्यूअर्स, सबसे पहले जो शख्सियत जिन्होंने ये खिता आज़ाद नहीं करवाया, छीना, और जिस तरह छीना उसकी दास्तान सबको मालूम है. जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके साथ जिस शख्स ने ख्वाब देखा वो उनके साथ हैं. फिर जो शख्स मावरा इंसाफ तख्त दार पर लटक गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ना जाने कौन कौन से. लेकिन आज जो इरशाद अंजम साहब ने मोहतरम चचा मियाँ सदीक कमयाना साहब को जो तारीख बताई वो कमाल है कि इस होटल में, जब ये होटल नहीं ये कोई छोटा मोटा चंद कमरों पे हॉन्टेड एरिया होगा फ्लैटिस, उसको उसमें एक बेल बॉय. दिस इज अगेन एंड हिस्ट्री, दिस इज अ वंडरफुल हिस्ट्री. और ये अंजम साहब का कमाल है, वो दस्ते ज़रा लेट ने लेकिन कमाल दस्ते ने. तो बताया गया कि वो जो ओबराय थे मोहन सिंह ओबराय, ये देखिए अंजम साहब के पीछे एक सरदार सहमा हुआ बैठा हुआ है, लेकिन वो मोहसिन है इस मुल्क का, कि उसने ये यहाँ से आगाज़ किया एक बेल बॉय का. और ये बताया गया है, ये देखिए जी मोहन सिंह ओबराय जो दुनिया के बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री चेन का बाबा है, वो यहाँ इस फ्लैटिस में, इस खित्ते पाकिस्तान में एक बेल बॉय था. और कहते हैं अंजम साहब ने बताया कि उनकी बेगम पीछे इस्त्री करती थी. बड़े लोग बाकमाल इस तरह बनते हैं. तो आज हम फ्लैटिस होटल के इस खूबसूरत कॉरिडोर लॉबी में मौजूद हैं. मैं हैरान हूँ कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जनाब इरशाद अंजम साहब के पाँव के नीचे मुझे चेक करवाना पड़ेगा कि व्हीलर लगे हुए हैं. मैंने उनको पिछले 20-25 साल से कभी बैठे हुए नहीं देखा, और उन्होंने फिर होटल इंडस्ट्री में क्या नाम हासिल किया. तो मैं अंजम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अंजम साहब ज़रा बताइए सर कि ये इस द ग्रेट व्यूअर्स, माजर चाहते हैं शॉर्ट ब्रेक हुआ. जनाब अंजम साहब ने ये जो एक हसीना इस लॉबी में बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने खड़ी कर दी, चश्मा कर दीजिए. आइए अंजम साहब की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये कौन थी, क्या थी, कैसे आई, और ये इसने इस खत्ते पाकिस्तान को का इंतखाब क्यों किया. जी अंजम साहब, ये एवा गार्डनर, शी स्पेंड ऑलमोस्ट 2 वीक इन दिस होटल. अंजम साहब लाउड जिस तरह तुसी दौड़ा लगा दे जी. एवा गार्डनर हॉलीवुड की मूवी स्टार है. ये अंजम साहब बता रहे हैं जी कि एवा गार्डनर जो है ये हॉलीवुड, ये वी आर लकी वन, आई हैव विजिटेड हॉलीवुड यूनिवर्सल स्टूडियो इन 1987 इन लॉस एंजलिस. और अंजम साहब ये कब आई है मोहतरमा, कब आई, यहाँ क्या करने आई? ये हमारे पास आए थे 1955 में,
आई थी, शी स्पेंड ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks इन दिस होटल। अच्छा जी। मूवी बनाई थी बॉम्बे जंक्शन, बॉम्बे जंक्शन बड़ी टॉप की मूवी थी, अभी तक लोग बड़े शौक से इस मूवी को देखते हैं, और टॉप के इसके साथ मूवी स्टार भी आए थे इसके साथ भी। एंड शी स्टेड फॉर अबाउट 2-3 weeks। या शी स्पेंड अबाउट 2 to 3 weeks इन दिस होटल। हाँ जी। उस रेलवे स्टेशन पे एक मूवी बनाई थी बॉम्बे जंक्शन के नाम के ऊपर, और इसी रेलवे स्टेशन हमारे लाहौर वाले पुराने रेलवे स्टेशन पे, और ये मूवी बड़ी हिट हुई थी हमारे जो रेलवे स्टेशन लाहौर है वहाँ इसने मूवी बनाई थी। मैं अंजम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा इस होटल में जो बड़ी शख्सियात ठहरी उनके ज़रा इसमें ग्रामी भी बता दें, और एक तो बहुत काबिल एहतराम शख्सियत जो नॉन कलमा गो थे लेकिन बड़े बड़े कलमा गो से आगे थे, उनका नाम था जस्टिस कार्नेलियस। जी अजम साहब, ये हमारे होटल में तकरीबन 13 साल इनका स्टे हुआ था और उनकी डेथ भी यही हुई थी। लो जनाब, वो शख्स कहता कहता मर गया कि पाकिस्तान मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। ऐसे मिस्टर फ्लैटी जिनके नाम का ये होटल है। लो जनाब, मिस्टर फ्लैटी से मिलिए। ये 1875 में पाकिस्तान आए थे। 1875 में इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक होटल बनाऊँ 5-star लेवल का, तो ये फिर मिस्टर एजटन के पास गए, गवर्नर ऑफ पंजाब दैट टाइम, इसी के नाम के रोड है एजटन रोड। एजटन रोड, इन्होंने गवर्नर साहब ने कहा कि होटल होना चाहिए द बेस्ट इन द वर्ल्ड, फिर इसने ये खूबसूरत होटल बनाया। 1.5 years टू कंस्ट्रक्ट दिस होटल। इसके बाद पंडित लाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जब भी आते थे यहीं ठहरते थे आके, क्योंकि भारत जनाब जो सुनिए दोनों का स्टे यही था। भारत का माई बाप यहाँ ठहरता था और कायद के पाँव में बैठता था। ये हमने उसके जनाब कायद आजम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह के रूम में देखा कि नेहरू उनके झुक के खड़ा हो उनके पास। कौमें इस तरह बनती हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, लो जनाब, जिसने के साइन किए थे पाकिस्तान के, ये है ही स्टेड इन दिस होटल आल्सो इन अपने मिसेस के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन, ये लॉर्ड माउंटबेटन है जनाब, कायद के साथ खड़े हुए हैं, साइन किए थे और ऑटोग्राफ दिए थे इसने। लेकिन ये हम आपको बता दें कि दिए नहीं थे, हमने छीने थे और कौम सर पे कफन बांध के खड़ी हो गई थी, ये मुल्क ऐसे बना। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हम इंशाल्लाह क्योंकि अंजम साहब ने आज इस जो बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले हैं तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात, उनकी हिस्ट्री को अनवेल करने के लिए बाकमाल लोग जो हैं, प्रिंस करीम आगा खान द ग्रेट पर्सनैलिटी, इस पर हम एक मुकम्मल प्रोग्राम दोबारा करेंगे और हम मोहतरम जनाब मियाँ सदीक कमैना साहब को दोबारा जहमत देंगे। मुस्लिम लीग 1906 में ये सर आगा खान ही बात, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। ये लीजिए जनाब, एक और राज अफशा हुआ, जो ब्रेन विनरी पर्सन थिंक टैंक और लॉ के ऊपर अथॉरिटी जनाब मोहतरम मियाँ सदीक कमैना साहब। सर आगा खान ही बात फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। लो जनाब, बात यहीं ख़त्म करते हैं और इस पर एक पूरे प्रोग्राम के लिए हम मियाँ साहब को फिर जहमत देंगे, और इरशाद भी अंजम साहब से उस दिन हमने ज़बरदस्ती कहना है कि उनके वालिद मोहतरम जो 96 ईयर ओल्ड हैं और अपने हाथ से काम करते हैं, यही वजह है पाकिस्तान में बाकमाल लोग और बाकमाल इदारे, मुल्क बाकमाल और कौम बाकमाल। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग DTV एंड आपका होस्ट यकूब जावेद कमियाना। वेलकम बैक द ग्रेट व्यूअर्स। दुनिया में सबसे बड़ी हस्तियां जो हुई, जो शख्स, ये अंग्रेज लिखता है, ये किसी पाकिस्तानी मौरख ने नहीं कहा कि जो शख्स झुका नहीं बेका नहीं उसका नाम मोहम्मद अली जना। और फिर बहुत कुछ ले सकते थे, यहाँ तो कहते हैं जी कि 1.5 करोड़ रुपया दो तो वोट भी ले लो, तो फलां भी ले लो, सेनेट का फलां बढ़ जाओ फलां, लेकिन जिस शख्स ने एक पूरी स्टेट आज़ाद करवाई, छीनी, स्नैच की, हम आज उनके दरे दौलत पे खड़े हुए हैं जहाँ वो आके रुकते थे, जहाँ बड़े बड़े नवाबजादे बड़े बड़े सरदार उनके इंतज़ार में इस दरवाजे पे इस चौकट पे खड़े होते थे। गुड लक टू अस। ये रूम नंबर 101 ऑफ फ्लैटीज होटल का रूम नंबर 101, और इस पे जनाब मोहतरम मियाँ सदीक कमियाना साहब सुप्रीम कोर्ट के लॉ के ऊपर अथॉरिटी, ही इज़ नॉट ओनली एडवोकेट, वो अथॉरिटी हैं, वो बाबाए लॉ हैं। तो हमारी ये खुशनसीबी है
कि जनाब अंजम साहब आज मेज़बानी के फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं, और कायद के कमरे में मियां सिद्दीक मैना साहब कायद अजम मोहम्मद अली जनाब के कमरे में एंटर हो रहे हैं। ये देखिए क्या अजीम शख्सियत थी और क्या बाकमाल लोग इस कमरे में एंटर हो रहे हैं। कि कितनी खुशनसीबी है इस मट्टी की, एक ऐसा शख्स जिसका बिल्कुल नहीफ व नजाज, दुबला पतला, लेकिन उनके अंदर कोई कई टाइगर्स फिट थे, क्या पुर्जे फिट थे कि उन्होंने ये मुल्क हमें आज़ाद करवा के दिया। ये उनकी रिहाइशगाह थी। हम बेहद ममनून हैं फ्लैटिस के स्टाफ के, जनाब इरशाद अंजम साहब के, उनके ऑफिसर्स के जो हमें मोहब्बत से उनका ये कायद लॉज दिखा रहे हैं, रूम 101 ऑफ फ्लैटिस होटल। ये क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या जाहो जलाल होगा, क्या क्या खूबसूरत अंदाज होगा। जब वो कायद जब तशरीफ लाते थे यहाँ, तो बड़े बड़े तुरम खान बाहर इंतजार करते थे उनसे सिर्फ एक लम्हे के लिए मिलने के लिए। कायद का बेड, और इसको जो खूबसूरती से सजा दिया है वो होटल फ्लैटिस के इन मेजबानों ने और जनाब इरशाद बी अंजम ने, इसको बिल्कुल चार चांद लगा दिए हैं। एंड गुड लक टू द होस्ट ऑफ कुलवान बाकमाल लोग कि आज इन इस बड़े कमरे में, इस बड़ी शख्सियत के कमरे में हम तो शुक्र ही अदा कर सकते हैं अल्लाह की जात का, और करोड़ों फूल बरसें कायद की कब्र के ऊपर कि वो इफ्तिता दे गए। और फिर कहाँ, यहाँ मियां सिद्दीक कमियाना जैसे बड़ी अजीम हस्तियां जिन्होंने फिर जज पैदा कर दिए, वकला तो छोटी बात है, ब्रेन पैदा कर दिए, टाइकॉन्स पैदा कर दिए, डॉन्स पैदा कर दिए। आज दुआ करते हैं कि परवरदिगार कायद जैसा पाकिस्तान कायम रखे। हम नया, मैं अक्सर कहता हूँ अपने प्रोग्रामों में कि हमें नया पाकिस्तानी, हम जो कायद पाकिस्तान दे गए उसको ही मेंटेन रखें, उसको ओरिजिनल हालत में मेंटेन रखें। ये है, कौमें अपनी हेरिटेज का ख्याल रखती हैं। पांच मरले का मेरे साथ दुनिया के मारूफ एडवोकेट मियां सिद्दीक कमैना साहब मौजूद हैं। मैं कमैना साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि कमैना साहब पांच मरले का आप सिविल के बहुत किंग एडवोकेट हैं, मुझे बताइए सर कि पांच मरले का घर छुड़ाना आसान काम है? नस्लें गुजर जाती हैं, मर जाते हैं। एक बच्चा 19 साल का बच्चा केस शुरू करता है, मर जाता है, दादा मर जाता है, आप तीन नस्लें मर जाती हैं, तो फिर कैसे ले लिया? इतना बड़ा मुल्क लेने वाले शख्स के लिए दुआएं हैं। नाजी हमारे साथ रहिए, हम फिर मियां साहब को सहमत देंगे। इरशाद बी अंजम हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, वो जहां जाते हैं बाहो बहार कर देते हैं। हमारे साथ रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फ्रॉम बाकमाल लोग। वेलकम बैक द ग्रेट व्यूज 104. A legendary munsif, the great judge, और जस्टिस का रिलीज के बड़े बड़े फैसले बड़े मारूफ हैं, और उसमें एक फैसला ये भी था कि माशाल्लाह कौमों को, माशाल्लाह का केस था तो आपने जजमेंट में लिखा कि माशाल्लाह कौमों को डराने के लिए आखिरी हरबा होता है, लेकिन जब बार बार माशाल्लाह लगाया जाता है तो मुल्क टूट जाते हैं। तो ये जनाब जस्टिस कार्नेलियस का कमरा है, नंबर बोल दिया, नंबर 104। ये खूबसूरत रूम, और मुनसिफ कमाल मुनसिफ, नॉन कलमा गो लेकिन कमाल इंसाफ के वो उनके कोटेशंस हैं, उनके रेफरेंस हैं, उनकी जजमेंट्स हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी आला अदलिया कोर्ट करती हैं। मैं मियां सिद्दीक कमैना साहब दी अथॉरिटी ऑन लॉ से गुजारिश करूंगा कि जस्टिस साहब के पास चलें, ताकि वो सारी उम्र केसों में पेश होते रहे, और जिस कोर्ट में भी पेश होते, और ये उनको एजाज है कि वो जस्टिस कार्नेलियस साहब की अदालत में पेश हुए। अब मैं मियां साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़रा ये कौम को बता दीजिए कि ये जो जजेस साहबान
अदालत में ये जो रिमार्क्स देते हैं, बात करते हैं, माजी के जजेस और इन जजेस में थोड़ा सा बताइए कि ये भी इस तरह डांट डपट करते थे या क्या करते थे, इनका रवैया क्या था? ये जजेस का प्रिविलेज है, दे कैन पुट एनी क्वेश्चन, दे कैन मेक एनी रिमार्क, दे ओके, इट इज देयर प्रिविलेज, बट लेकिन आने वाले की इज्जत के बारे में, बेसिकली जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, ओके, उनके उनके फैसले बोलते हैं, दे ओनली लिसन द आर्गुमेंट्स एंड स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। आप इनकी कोर्ट में पेश हुए मियां सर? दफा पेश हुआ कार्नेलियस। आप इनकी कोर्ट में पेश हुए जस्टिस कार्नेलियस, और रवैया क्या था, एटीट्यूड वाइज? आप हैरान होंगे कि जस्टिस कार्नेलियस लॉ ग्रेजुएट भी नहीं थे। अच्छा। हां, मैथमेटिक्स ए बी कोर्स किया था आईसीएस से, ये ही वाज आईसीएस इन सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस से ये इधर आए, ही वाज आईसीएस ऑफिसर, डीएमजी है ना ये इस दौर का, आज का डीएमजी, आजकल की जो पीएस उस वक्त इंडियन सर्विस सिविल सर्विस थे, पीएस या सीएसपी जी जी पीएस जो कहते हैं ना, वो सर्विस के ये आदमी है, ये बस आईसीएस, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस का। तो फिर कैसे सर लॉ में ये इनका कोटा होता था? अच्छा, आईसीएस से 10% लोग एलिवेट होते थे जज, जब भी हाई, और इतने काबिल, इतने काबिल टॉप के लोग होते थे, ही हैड बीन सेशन जज कार्नेलियस, अच्छा, दैट ही बिकेम देन जज ऑफ द हाई कोर्ट, देन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वाह 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 वाह। अंजम साहब, ये यहीं रुखसत हुए इस दारे फानी से? आइए जरा, मैं डायरेक्टर ऑपरेशन फ्रेटिस के लिए और एवर स्माइलिंग फेस अंजम साहब से गुजारिश करूंगा कि अंजम साहब थोड़ा सा जस्टिस कार्नेलियस साहब की यहाँ जो क्याम है उसके बारे में मुख्तसर सा बता दीजिए। फ्लैटिस होटल के लिए बड़ी अनर की बात थी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट द ग्रेट व्यूअर्स लिसन लिसन द ग्रेट व्यूअर्स, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान स्टेट, he his excellency his lordship used to stay here and he departed for heaven from this room, this place yes, inhone takriban 13 saal is kamre mein guzare hain jahan hum khade hain, wow aur koi batate hain ji us waqt jo bada jo mere guest aate hain unko bada shauk hota hai khas kar do kamre ka, ya aap cadence room mein stay kare ya justice college suite mein, wow Wow. It is so honor to stay in these rooms. ये जनाब उनका अंजम साहब भी वंडरफुल थे। इरशाद भी, अंजम साहब के बारे में तो जी इतने प्रोग्राम प्रोग्राम ही थोड़े पड़ जाएं, जितना वो मेहनती शख्स है, जितना वो यार बादशाह है, वही लुक दी हुई है लाइब्रेरी की, क्योंकि आके बैठ के। आइए जनाब, हम आपको जज साहब की, जस्टिस कार्नेलियस की वो लाइब्रेरी दिखाते हैं। ये भी एक अजूबा है कि अंजम साहब ने ये एक बहुत बड़ा सरमाया संभाल के रखा हुआ है, ये एसेट है, ये लाइब्रेरी है जनाब जस्टिस कार्नेलियस, जो इस मुल्क के लिए इंसाफ देते देते यहीं से दम देके पधार गए, अगले जहान चले गए। नाजरीन, ये जनाब मियां सदीक कमाना साहब के अल्फाज और तारीख सजाद हैं कि यहाँ सेशन जज, यहाँ ब्यूरोक्रेट, यहाँ जिसको भी ग्रेड 18, 19, 20, 21 मिला, वो सबसे पहले जीओआर में घर ढूंढता है, बड़े बड़े एरिया में घर ढूंढता है, लेकिन ये शख्स दिया जाता ऑफिशियल उनको रेजिडेंस मिलता है, वो एंटाइटल्ड हैं, लेकिन एक शख्स चीफ जस्टिस एंड वाज एंटाइटल्ड टू एनी बिग हाउस, बट ही डिड नॉट लाइक टू गो एंड ही प्रेफर्ड टू स्टे इन दिस रूम एंड ही डाइड इन दिस रूम, ही डाइड इन दिस रूम। जनाब सुनिए, फिर कौमें इस तरह बनती हैं, और ये कहते हैं बाकमाल लोग, बाकमाल इदारे भी बनते हैं बाकमाल अशखास से। हमारे साथ रहिए, देखिए क्या खूबसूरत अल्फाज, क्या खूबसूरत लोग, क्या बड़े लोग, और किन के मुंह से कितने बड़े अल्फाज निकले हैं। अपने मेज़बान यकूब जावेद कमैना के साथ रहिए, कीप वॉचिंग DTV एंड प्रोग्राम बाकमाल लोग एंड लाइव विद YJ कमैना।